मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे आप सभी को पता है, रोज़ हम देख रहे हैं, मैं रोज़ सीरीज़ लेके, सीरीज़ जो चल रही है हमारी एंसेस्टर्स की, मैं डेली बेस पे उनके मैसेजेस लेके आपके लिए आ रही हूँ। तो आज देखते हैं कि आज वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपने क्या करना है क्या नहीं, या किस चीज़ के लिए वो आपको सचेत कर रहे हैं कि आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतिय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। चलिए देखते हैं। हमेशा की रोज की तरह मैं तीन ही कार्ड रखूंगी। ये पूरी सीरीज में गाइस मैं तीन कार्ड रखने वाली हूँ, क्योंकि डेली के मैसेज दे रही हूँ मैं। फर्स्ट कार्ड सेकेंड। देखिए गाइस, आप शांत रहिए क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जी से डिस्टर्ब आ रही है। आप शांत रहेंगे तो मेरी भी एनर्जी बैलेंस में रहती है। सॉरी। चलिए थर्ड निकालते हैं। थर्ड कार्ड हमारा आ गया। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड फर्स्ट चूज किया है, माउंटेन आया है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या बिजनेस का सोच रहे हैं, या स्टूडेंट है तो कोई सब्जेक्ट लेना है या ले चुके हैं, सोच रहे हैं, तो वो अपने स्टैंड पे आप कायम रखिए। या आपने किसी से कुछ बात कही है, अपने आज के दिन आपको अपने बात पर अड़े रहना है, वो स्टैंड लेना है अपने लिए, क्योंकि आपके लिए नेचर, हेवन, सारे लोग, यानी आप कह सकते हैं पूरी प्रकृति, कुदरत, ईश्वर आज आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं और अपना साथ दे रहे हैं। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। यदि हो सकता है सामने वाला बोल रहा है कि ये बिजनेस आपका चल नहीं रहा है तो बंद कर दीजिए, आज आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आज आपके संग सारी प्रकृति, ईश्वर खुद आपके साथ है और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग साथ है। तो आज आपको, और जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आज आपको अपने लिए स्टैंड लेने का दिन है। आपके लिए प्रकृति, कहते हैं ना, कुदरत आपका साथ दे रही है। तो जिन्होंने भी कार्ड वन चूज़ किया है, आज अपने लिए करिए, जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। दूसरा कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, हर्मिट। आपको आज सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत भाग दौड़ की है। अब देखिए गाइस, भाग दौड़ में हाथ पैर से भाग दौड़ भी नहीं, दिमाग को जो दौड़ाया है आपने, ये उन लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, आज आप अपने लिए जिए, एक दिन अपने लिए निकालें, सिर्फ अपने लिए निकालें। फैमिली के लिए भी यहाँ नहीं बोला गया है। आपको आज सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ आपको आज अच्छी लग रही है वो करने की आपको ज़रूरत है। तो आपके एंसेस्टर्स कार्ड नंबर टू वो बोल रहे हैं। कार्ड नंबर थ्री ग्रिड। जिन्होंने भी कार्ड नंबर थ्री चूज़ किया है, जो भी आपका डिसीजन है, जैसे कि माउंटेन का आया है, वैसे ही थर्ड मिलता जुलता आंसर आपका भी आ रहा है, कि जो भी आपने काम कर रहे हैं उसे होल्ड करके रखिए, उसको ऐसे ही जाने मत दीजिए, किसी के कहने पे चेंज मत करिए। आपको वो पसंद था इसलिए आपने वो काम करना शुरू किया। उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो जो उतार आया है तो चढ़ाव भी आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जो काम करके रख रहे हैं उसे अच्छे से पकड़ के रखिए, या आपने कोई बात कही है उसे पकड़ के रखिए। आपको किसी की बातों में आज नहीं आना है, आपके एंसेस्टर का मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन गाइस जरूर दबाइए। चलिए अब मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के संग। कल हमारे एंसेस्टर्स हमको क्या मैसेज देते हैं उसकी रीडिंग करके मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज़।